और अभी मैं ये सामने, ये नमल के सामने बैठा हुआ हूँ और ये सामने रोड पे आपका भाई बैठा हुआ है। सही है, पहले तो इंटरनेट ही नहीं था चल रहा, अभी शुक्र है कि इंटरनेट तो आ गया। अभी आप, मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में आ ही गए हैं ना, वाले सलाम, अगर आप यूनिवर्सिटी में आ ही गए ना जी, तो यहाँ पे आप कम से कम कुछ अच्छी मेमोरीज बना के जाएं, ठीक है, कुछ अच्छी यादें बना के जाएं। इधर गजाली में जो है ना, हम बहुत ज़्यादा बैठे हैं, अक्सर हम इधर बैठ जाया करते थे ना, तो आज मैंने कहा इधर आपको एक मरतबा दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ से इस रास्ते से हम बिल्कुल सीधा जाएँ तो लाइक यहाँ पर हमारा MI रूम आ जाता है, और सामने ही जो है ना लाइक वो एग्जामिनेशन ब्रांच वाले बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खुर्रम मलिक व्लॉग्स। व्यूअर्स जी, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। और आप जो आज मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे ना, बैकग्राउंड क्या यार, आपको ना मैं फ्रंट साइड ही दिखा देता हूँ। आज जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये आपको जानी बिछानी लग रही होगी। जानी बिछानी क्या, 4 साल लगे हैं इधर आपके भाई ने, और आज जब से यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है ना, तो पहला दिन है जी, मतलब पेपर्स वगैरह हो गए, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, 3-4 महीने बिल्कुल गायब रह लिया, लेकिन ये रहा आना तो था ही ना इधर। एक चीज़ जहाँ पे आपके 4 साल लगे हैं, डिग्री तो यहाँ से लेनी थी, तो अभी ज़रा सीन ये है कि आज आपका भाई जो है पूरे 3 महीने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आया है। और यूनिवर्सिटी तो क्योंकि होगी है, ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है, लेकिन कुछ मामला अभी यहाँ पे बकाया है, क्योंकि नमल इतनी जल्दी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो मामला ये है कि आज आपका भाई आया है अपनी क्लियरेंस के लिए, क्योंकि डिग्री तो हो चुकी है, एंड हो चुकी है, तो मैंने कहा चलो यार, मुझे ऑफ भी नहीं थे, आपको पता है कि न्यू जो है ना वो जॉब स्टार्ट की हुई है, मेरा व्लॉग भी काफ़ी दिन हो गए आपने नहीं देखा, तो यहाँ पर भी आप चेक करें ना जी, यहाँ पर काफ़ी पता लगा जी, आज फर्स्ट डे है शायद, लेकिन मुझे अब कन्फर्म नहीं है कि यूनिवर्सिटी कितने दिनों से खुली हुई है, लेकिन लड़का मिला है वो बता रहा था कि आज जो है ना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, किसी से पूछेंगे कि पहला दिन है कि क्या हिसाब है। लेकिन अभी जरा मैं अपने डिपार्टमेंट में जाना चाहूँगा, क्योंकि पहले पता करना है कि क्लियरेंस का हिसाब क्या है, क्या सीन क्या है, किस तरह से करते हैं क्लियरेंस का, क्योंकि इससे पहले मुझे लाइक ज़ाहिर है डिग्री नहीं हुई तो क्लियरेंस कहाँ से होगी। अपने डिपार्टमेंट में आया हूँ मैं सामने, और आज अपने डिपार्टमेंट में आके सारी खाली है यार, लाइटें भी नहीं लगी हुई, मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, आप इसी डिपार्टमेंट से हैं? BBA? अच्छा, खुर्रम मलिक व्लॉग्स। नहीं भाई जान, मेरी डिग्री एंड हो चुकी है, क्लियरेंस के लिए आया। नहीं यार, थैंक यू भाई जान, समझ रहे मैं फर्स्ट सेमेस्टर का हूँ, पता नहीं क्या देख लिया उन्होंने ऐसा मेरे अंदर, लेकिन डिग्री मेरी जो है ना वो एंड हो चुकी है। अपने डिपार्टमेंट में आ गए हूँ जी, सामने हमारे खुर्रम भाई बैठे हुए हैं, द वन एंड ओनली खुर्रम भाई, मुझे पता नहीं पहचानते नहीं है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, खुर्रम भाई क्या हाल है, मुझे पहचान रहे हैं आप? मैं 3-4 महीनों बाद आए हूँ, पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं। और तो खैरियत है व्यूअर्स, अपने डिपार्टमेंट से बोलिए मैंने, और डिपार्टमेंट में यकीन करें ऐसा लग रहा है कि जब से हम गए ना, तब से रौनक ही ख़त्म हो गई है डिपार्टमेंट के अंदर, कोई रौनक मिला कोई कुछ नहीं, लाइटें शाइटें भी बंद हुई हुई थी पहले डेज हैं, या शायद अभी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, ये वजह भी हो सकती है। हमने इस जगह पे बड़े चिल किए हैं जी, अभी तो सारा ग्राउंड ही खाली पड़ा हुआ है, हमने इधर वो काम किए ना जो शायद ही किसी ने किए हो। अभी अंदर गए हूँ जी, सर कह रहे थे कि क्लियरेंस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो शुरू है, लेकिन उससे पहले आपको ना लाइक जाना पड़ेगा अकैड वालों के पास, वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा, वो फॉर्म आप फिल करेंगे, जमा कराएंगे, फिर जाके आपकी क्लियरेंस जो है ना वो आएगा। असलाम चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन, यारा जी क्या याद करा दिया उसने। तो मैं आपको बता रहा था कि सर ने बताया है कि प्रोसेस ये है कि आप पहले जाके जी जाएंगे जी अकैड वाले ब्लॉक में, वहाँ से आपने एक फॉर्म लेना है, वो फॉर्म लेके आपने फिल करना है, जमा कराना है, उसके बाद जो है ना आपकी क्लियरेंस जो है लाइक उसका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। अब मुझे नहीं पता कितने दिन लगते हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये मामला जो है ना वो हो जाए। बिकॉज आज ना मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर आया हूँ ना, काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी नए नए चेहरे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी हद से ज़्यादा नए नए चेहरे यहाँ पे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। इससे पहले काफ़ी मतलब कि कोई जानने वाले मिल जाते थे, दोस्त यार मिल जाते थे, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे काफ़ी नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी यूनिवर्सिटी को लेके। मुझे भी याद है अपने वो दिन जब मैं आया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक एक्साइटमेंट, और आप कह लें कि एक्साइटेड होता था बंदा, यार यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी है, अभी तो लाइक वो 4 साल गुजरते पता ही नहीं लगा। तो लाइक मैं भी लाइक जो न्यू कमर्स जो हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि यार अभी आप आए हैं ना,
आपके चार सालों का पता भी नहीं लगना, ठीक है। आज आपका पहला दिन है ना, चार साल आपके ऐसे गुजरेंगे ना जैसे अब हमारे चार साल गुजरे गए यूनिवर्सिटी में, यकीन करें पता ही नहीं लगा। आपको भी पता नहीं लगेगा अंटिल आपके असाइनमेंट्स ना आ जाए जब तक। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी आए हैं ना तो बिल्कुल किताबी कीड़े ना बन जाए, सही है। हर टाइम ना आप पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, यार मैंने क्लासेस लेनी है, ठीक है ओके अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं ना, पढ़े लाजमी पढ़े अच्छे से पढ़े। और लेकिन आपको मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में आ ही गए हैं ना, वालेकुम सलाम, अगर आप यूनिवर्सिटी में आ ही गए ना जी, तो यहाँ पे आप कम से कम कुछ अच्छी मेमोरीज बना के जाएं, ठीक है, कुछ अच्छी यादें बना के जाएं। और क्योंकि यही चीज़ें आपको याद आती है, पढ़ाई आपको बिल्कुल याद नहीं आनी। अभी चार साल की डिग्री कर लिया ना, अब मैं कितना बैठ के सोचता हूँ कि यार चाइना क्या कर रहा है, ठीक है, मेरी डिग्री लाइक चाइना के बारे में थी, तो मैं लाइक चाइना को थोड़ी ना सोचता रहता हूँ कि चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया, चाइना की ये हिस्ट्री है, चाइना की वो हिस्ट्री है। लेकिन जो यहाँ की मेमोरीज है ना, वो मुझे लाजमी याद आती हैं। और आज यूनिवर्सिटी में आके वही मेमोरीज जो है ना मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो आप भी हो सकते हैं अभी आपको ये मेरी बात समझ नहीं आए, लेकिन चार साल के बाद जब आप भी मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, तो आपको मेरी बातें ये 100% आपको यकीनी नज़र आए। अभी मैं चलते चलते जनाब ब्लॉक के पास आ गया हूँ, यहाँ से ये हमारा जनाब ब्लॉक शुरू हो जाता है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि जो फॉर्म लेना है ना वो कहाँ से मिलेगा। पहले तो ज़रा मैं एग्जामिनेशन ब्रांच से पता कर लेता हूँ, क्लियरेंस वाला फॉर्म अगर वहाँ से मिल जाता है तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ ही है, मतलब ये सामने हमारा सीएस का जो है वो डिपार्टमेंट है, आपने देखा तो बहुत बारी होगा, लेकिन आपका भाई रह नहीं सकता, जाहिर है ब्लॉगर कॉन्टेंट है ना, कॉन्टेंट तो बढ़ाना है मैंने अपना। यहाँ से आके ना आपको मैं अपना गजाली दिखा देता हूँ जी। इधर गजाली में जो है ना हम बहुत ज़्यादा बैठे हैं, अक्सर हम इधर बैठ जाया करते थे ना, तो आज मैंने कहा इधर आपको एक मरतबा दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ से इस रास्ते से हम बिल्कुल सीधा जाएं तो लाइक यहाँ पे हमारा MI रूम आ जाता है, और सामने ही जो है ना लाइक वो एग्जामिनेशन ब्रांच वाले बैठते हैं, क्योंकि फॉर्म लेना है मैंने क्लियरेंस वाला, तो एग्जामिनेशन ब्रांच से ही मिलेगा। यहाँ से फॉर्म लेते हैं, वो फिल करते हैं, फिर कॉपीज वगैरह करवानी है, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स है ना वो अटेस्ट करवाने हैं, फिर अटेस्ट करवा के आगे क्या प्रोसीजर है, क्या करते हैं डिपार्टमेंट वाले, क्या कहते हैं, वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल ज़रा फॉर्म लेते हैं, मैं बस एग्जामिनेशन ब्रांच में पहुँच आया हूँ इधर नमल में जनाब ब्लॉक में, यहाँ से ज़रा फॉर्म लेते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आगे फर्दर की अपडेट आपको यस कराते हैं। वीवर जी एग्जामिनेशन ब्रांच में गया हूँ, वो कह रहे हैं जी ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। अब डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे आपको फॉर्म मिलेगा, ये कहते हैं जी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन भी किया हुआ है, मसला कोई नहीं है, कह रहे हैं ऑनलाइन जो आपने अप्लाई किया उसका फॉर्म निकाल के आपने जमा कराना है। और अभी मैं ये सामने ये नमल के सामने बैठा हुआ हूँ, और ये सामने रोड पे आपका भाई बैठा हुआ है, सही है। पहले तो इंटरनेट ही नहीं था चल रहा, अभी शुक्र है कि इंटरनेट तो आ गया, अभी आपके भाई ने लाइक अपना पोर्टल जो है ना वो लाइक ओपन कर लिया। कोशिश करता हूँ डाउनलोड करने की, प्रिंट क्लियरेंस रिपोर्ट जरा क्लिक करते हैं ना इसके ऊपर, देखते हैं क्या कोई हिसाब किताब है, प्रिंट हो जाना एक मरतबा, फिर जाके अंदर दिखाता हूँ, फिर देखते हैं क्या प्रोसीजर कहते हैं। फिलहाल आपका भाई इधर गनी छाँव में चिनार के दरख्त के नीचे बैठ गया, और ठंडी छाँव के नीचे, आज थोड़ी सी धूप भी ज़्यादा है, गर्मी भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, ठंडी छाँव में नमल के सामने आपका भाई जो है ना वो बैठ गया और यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है कब मेरा फॉर्म डाउनलोड हो और कब मैं अंदर जाऊँ। चलें डाउनलोड हो जाए ना, तो अंदर जाता हूँ, फिर आपको आगे का फर्दर का प्रोसीजर जो भी है ना आपको मैं सारा बताऊँगा आज, ताकि आपको तो आसानी हो जाए, चलो एक बंदा जलील हो बाकियों के लिए तो आसानी हो जाए ना, तो इसलिए आज का व्लॉग जो है ना काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है। हाँ जी व्यूअर्स, तो मैंने ना अंदर अपना फॉर्म जो है ना वो सर को चेक कराया है, वो आगे जो लाइक सर बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि उन्होंने लाइक मेरा फॉर्म देखा है, तो उसके अंदर अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो भी मिसिंग है। मिसिंग से मुराद लाइक अभी कुछ चीज़ों की जो है ना वो क्लियरेंस रहती है, एक तो लाइक ये सिक्योरिटी ब्रांच के पास जाना पड़ेगा पहले, तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि सिक्योरिटी ब्रांच बिल्कुल मेरे सामने, यहाँ से अगर आप सामने चले जाएँ तो वो हमारी लाइक सिक्योरिटी ब्रांच है, ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छी बात है, चलो सिक्योरिटी ब्रांच करीब ही है, यहाँ से अपना अप्रूवल जो है ना कोशिश करते हैं यहाँ से अप्रूवल मिल जाए, यहाँ से ज़रा अप्रूवल लेते हैं, ये सिक्योरिटी ब्रांच जाना है, फिर इसी ब्लॉक के अंदर आप कह लें कि रूम नंबर 3456 वो भी इधर ही है करीब, वहाँ जाके क्लियरेंस करवानी है। अभी ज़रा पहले सिक्योरिटी ब्रांच वालों के पास चलते हैं ना, ये सामने ही जो है ना सिक्योरिटी ब्रांच का ऑफिस है, सिक्योरिटी ब्रांच चलते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से ये पीछे वाले ब्लॉक में आएंगे जनाब वाले में, और फिर उसके बाद जो है ना वो फर्दर प्रोसीजर जो भी है ना आपको मैं सारा बताता हूँ। फिलहाल ज़रा ये सिक्योरिटी ब्रांच में मैं आ गया हूँ गेट नंबर 2 के पास,
जरा चेक कराते हैं क्या सीन है इनका, फिर आपको बताता हूँ। बस मैं 12 बजे यहाँ पे आया था प्लेसमेंट सेंटर के ऑफिस में, 12 बजे नहीं 11:30 बजे, और अभी जो है ना वो डेट होने वाले हैं, और मेरा बस यहाँ से पेंडिंग रह गया स्टेटस, मतलब यहाँ के यहाँ वाली जो क्लियरेंस है ना वो रह गई है, बाकी सारी क्लियरेंस हो गई है। इससे पहले सिक्योरिटी ब्रांच, एग्जामिनेशन ब्रांच, और उसके अलावा फाइनेंस वाले थे, एक रूम नंबर 19 में आई गेस की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच थी, वहाँ से भी क्लियर हो गया। अभी बस ये अपने रिश्त यहाँ पे हमारा है जी, नॉर्मल प्लेसमेंट सेंटर, पता नहीं क्या यकी है इनकी, क्या हिसाब है अभी बनाया हुआ इन्होंने। 11:30 बजे का बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन ऑफिस अभी तक बंद है, पता नहीं कब खुलता है कब नहीं। तो आज वाले जो प्रोसेसेस थे यार वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली इसको मैं ज़्यादा प्रोसीड नहीं कर सकता आज वाले व्लॉग को, या आज वाला जो व्लॉग है ना इसको मैं पार्ट टू बना दूंगा। आज वाला पार्ट वन जो है ना वो यहीं तक है, ठीक है। पार्ट वन में आपने देखा है कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, मेरे कौन कौन से स्टेटस पेंडिंग थे, कहाँ कहाँ से क्लियरेंस करवानी थी, किस किस रूम से होनी थी, और कैसे कैसे करवानी थी, आपको मैंने फर्दर जो है ना वो गाइड कर दिया। और अभी इससे नेक्स्ट जो है, क्योंकि अभी मैं कर कुछ नहीं सकता, अगर अभी मैं कर सकता तो मैं अभी ही करवा लेता। सीन ये है, इसलिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जब ये लोग प्लेसमेंट सेंटर से क्लियरेंस कर देंगे, उसके बाद फिर रूम 26 है जहाँ से आपकी जो फीसिस आपने दी होती हैं तमाम सेमेस्टर्स की, आपने वो जो अपनी रिसिप्ट है वो आपने जमा करवानी होती है वहाँ पे, जब वो भी क्लियर हो जाता है फिर आपको ये वाला फॉर्म जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और जब आपको ये वाला फॉर्म मिल जाना है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने अपनी सारी डालनी है, सारी इन्फॉर्मेशन डाल के जी इसकी भी आपको आई गेस फीस पे करनी पड़ेगी, इसका भी आपको एक चलान आपके पोर्टल पर आ जाएगा, वो चलान आपने फिल आउट करके जमा करवाना है, तो इंशाल्लाह 2 या 2.5 महीने में आपकी डिग्री जो है ना वो मुकम्मल तैयार हो के प्रिंट हो के आ जाएगी, ऊपर नंबल के लोगों के साथ आप देख लेंगे उसको। तो चले जी, आज वाला पार्ट वन था, मैं ख़त्म करूँ, मेरी कोशिश थी इसको मैं एक ही पार्ट में बनाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं इसके। तो चलें, आपकी भी हेल्प आउट हो जाएगी, और उम्मीद है जी आपको आज वाला व्लॉग काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई तो उसको मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जी पहले आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे पार्ट टू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।